नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर एक बार मेरे YouTube चैनल टेक्निकल टीचर पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साला सिद्धि के बारे में। साला सिद्धि का जो एक्सटर्नल इवैल्यूएशन है वो किस किस को करना है, कैसे करना है, इसकी क्या प्रक्रिया होगी, इसके संबंध में हाल ही में एक ऑर्डर जारी हुआ है जिसमें हमारे जो स्कूल के टीचर साथी हैं वो काफी परेशान हो रहे हैं। अपने लॉगिन करने के बाद में लॉगिन नहीं हो रहा है। साला सिद्धि के भाई मूल्यांकन के बारे में समस्त जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें टेक्निकल टीचर को समस्त तकनीकी जानकारी के लिए और बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करें जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, साला सिद्धि का आंतरिक मूल्यांकन हमने हमारे स्कूल लॉगिन से साला सिद्धि के किया था। इसके बाद में साला सिद्धि का जो बाहरी मूल्यांकन है एक्सटर्नल इवैल्यूएशन, ये हमारे द्वारा नहीं किया जाना है। आप इसके संबंध में परेशान नहीं हो। बाहरी मूल्यांकन को सीपीओ स्तर से एक टीम का निर्धारण करके ब्लॉक में जितने विद्यालय हैं उनमें से 1/3 विद्यालयों का प्रति वर्ष साला सिद्धि का बाहरी मूल्यांकन करवाया जाता है। इसमें आपके विद्यालय के द्वारा आपने आंतरिक मूल्यांकन में जो अपनी रिपोर्ट तैयार की है, आपने अपना जो डाटा भरा है उसमें कितनी सत्यता है, उसकी जांच करने के लिए, उसकी सत्यता जांचने के लिए सीबीओ स्तर से एक टीम का गठन कर बाहर मूल्यांकन किया जाता है। इसमें आपका कोई रोल नहीं है, आप परेशान नहीं हो। आपके द्वारा कोई लॉगिन करके इसमें कोई कार्य नहीं किया जाना है, इसलिए आप इसके संबंध में निश्चिंत रहें। फिर भी अगर आपकी कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करें और अगर आप टेक्निकल टीचर पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन में ऑल को सेलेक्ट कर लें जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो चैनल पर अपलोड हो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं ऐसे किसी इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।